कार्यकर्ताओं ने राज्य की त्रिवेंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस मुख्यालय से गांधी पार्क तक सरकार की शव यात्रा भी निकाली। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र नेगी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राज्य में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, रोजगार सृजन पर सरकार ने कोई कार्य नहीं किया, नोटबंदी और जीएसटी ने बेरोजगारी को और बढ़ा दिया। इसके साथ ही राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, लेकिन सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि फीस बढ़ोतरी के विरोध में आयुष छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक शासन प्रशासन ने उनकी कोई सुध नहीं ली। वहीं जल्द व्यवस्थाओं में सुधार न होने पर विधानसभा और सचिवालय घेराव के साथ ही जेल भरो आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। जिस प्रकार जब से भाजपा सरकार इस प्रदेश में आई है, तब से केवल सोने का काम ही कर रही है, और इस सरकार को जगाने के लिए आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है कि आप देख रहे हैं जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में बेरोजगारी फैली हुई है, कोई भी सरकार कोई नए रोजगार सृजन नहीं कर पा रही है, और जो इन्हीं की भाजपा सरकार ने जो अपनी नीतियां पूर्व में लेके आई थी, चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो, इनके कारण से और रोजगारी और बेरोजगारी और बढ़ गई है। तो बेरोजगारी बढ़ने के विरोध में मुख्य मुद्दा आज हमारा यह है कि जो प्रदेश में जो बेरोजगारी बढ़ी बेरोजगारी है, उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस ने आज सरकार को जगाने के लिए आज धरना प्रदर्शन किया।